नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो हम ऐसे एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज अ स्मॉल कैप कंसिस्टेंट कंपाउंडर, यानी काफी लॉन्ग टाइम के लिए उन्होंने एक अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है। इफ यू चेक द नंबर्स, देन ये कंपनी ने उनके जो प्रॉफिट है वो लास्ट 10 ईयर्स के लिए लगभग 21% से CAGR से ग्रो किए है, और जो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन है या जो स्टॉक प्राइस ने रिटर्न दिए है कंपाउंडेड, विच इज ऑलमोस्ट 42%, एंड काफी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। ईयर ऑन ईयर उन्होंने ग्रोथ शो किया है। तो ये जो कंपनी, इसका नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। तो ये वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट देयर होल बिजनेस मॉडल, ये कंपनी कैसे शुरुआत हुई, उसकी क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, उन्होंने ये लॉन्ग टर्म में इतना कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसे अचीव किया। सो वेन वी स्टडी दिस कंपनीज, देन वी गेट सम फ्रेमवर्क्स एंड दैट वी ट्राई टू अप्लाई फॉर अ वेरी स्मॉल कंपनीज। तो ये सेक्टर में और एक कंपनी है मित्सु केम्प्लास्ट करके, तो दे आर ऑल्सो इन टू द ब्लो मोल्डिंग साइड एंड आगे जाके दे आर ऑल्सो गेटिंग इन टू द पेल सेगमेंट। यानी यदि आपने एशियन पेंट्स के जो कंटेनर्स होते हैं वो यदि देखे होंगे, सो दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मोल्टेक पैकेजिंग एंड रिसेंटली मित्सु केम्प्लास्ट इज ऑल्सो एंटरिंग इन टू दिस सेगमेंट। उन्होंने भी एक स्मॉल कैपेक्स किया है फॉर दिस पेल्स मैन्युफैक्चरिंग। मित्सु केम्प्लास्ट करंटली मेजरली उनके जो रेवेन्यूज है वो फार्मा एंड केमिकल साइड से आते हैं। इसमें जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं टू स्टोर डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं या फार्मा रिलेटेड जो इंटरमीडिएट्स लगते हैं, तो मित्सु केम्प्लास्ट करंटली ये बिजनेस में है। एंड कुछ जो बिजनेस है उनका वो हॉस्पिटल्स में जो बेड लगते हैं, दैट दे आर करंटली मैन्युफैक्चरिंग। बट ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें फिलहाल में ज्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो बिजनेस है वो कमोडिटी बिजनेस है मित्सु केम्प्लास्ट का। बट यदि वो आगे जाके पेल्स मैन्युफैक्चर करते हैं या फार्मा इंडस्ट्री के लिए कुछ बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके लिए मोल्टेक पैकेजिंग को भी रिसेंटली एक ऑर्डर मिला है, तो ऐसे सपोज वो आगे जाके फॉरवर्ड इंटीग्रेट करते हैं तो डेफिनेटली उनके जो मार्जिन से वो इंक्रीज हो सकते हैं। एंड करंटली मित्सु केम्प्लास्ट इज ट्रेडिंग एट वेरी वेरी चीप वैल्यूएशन कम्पेयर टू मोल्टेक पैकेजिंग। बट टू अंडरस्टैंड मित्सु केम्प्लास्ट, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द मोल्टेक पैकेजिंग। एक बार आपको ये समझ जाएगा कि मोल्टेक पैकेजिंग का बिजनेस कैसा है, उन्होंने कैसे ग्रो किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन सिमिलर जो आपके लर्निंग से यू कैन अप्लाई दैट टू मित्सु केम्प्लास्ट, एंड देन यू कैन कीप ट्रैकिंग कि आगे जाके क्या वो उनके बिजनेस सेगमेंट से उसमें डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्या वो बेटर एंड जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स से उसमें जा रहे हैं क्या। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम अदर प्लेयर इन दैट इंडस्ट्री विच इज रिलेटिवली बिगर प्लेयर, विच इज इन दिस केस मोल्टेक पैकेजिंग। तो ये वीडियो हम डिटेल में मोल्टेक पैकेजिंग का जो बिजनेस है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, एंड आई विल बी ऑल्सो क्रिएटिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द मित्सु केम्प्लास्ट, एंड देन आई विल एग्जैक्टली टेल यू कि उनके प्रोडक्ट्स फिलहाल में क्या है, एंड देन विल ऑल्सो कंपेयर दैट विद द मोल्टेक पैकेजिंग। डेफिनेटली मोल्टेक पैकेजिंग इज इनटू द अनदर लीग, बट वी हैव टू कीप ट्रैकिंग द स्मॉलर कंपनीज सो दैट वी कैन अर्ली आइडेंटिफाई द सिमिलर कंपनीज। तो अभी हम ये वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे मोल्टेक पैकेजिंग का जो बिजनेस मॉडल है। मोल्टेक पैकेजिंग एस्टैब्लिश इन 1985 एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन रिजिड पैकेजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। मोल्टेक पैकेजिंग वॉज फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च इन मोल्ड लेबलिंग विच इज IML टेक्नोलॉजी इन 2011 फाइनेंशियल ईयर। द कंपनी हैज ब्लू चिप क्लाइंट्स सच एज एशियन पेंट्स, AK0 नोबल, कंसाई नेरोला, कैस्ट्रॉल, शेल, BPCL, अमूल, HUL एंड मॉन्डेलेज। द ग्लोबल पैकेजिंग मार्केट वैल्यूड एट $1,002 billion इन 2021 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $1,275 billion बाई 2027 विथ CAGR ऑफ 4%। ग्लोबल रिजिड पैकेजिंग मार्केट इज वैल्यूड एट अबाउट $187 billion इन 2020 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच एट अबाउट $270 billion बाई 2028 विथ CAGR ऑफ 4.7%। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोल्टेक पैकेजिंग बिजनेस सेगमेंट। द कंपनी गेट्स इट्स रेवेन्यूज फ्रॉम 3 बिजनेस सेगमेंट्स। फर्स्ट सेगमेंट इज पेल्स फॉर पेंट्स, सेकेंड सेगमेंट इज पेल्स फॉर लुब्रिकेंट्स, एंड थर्ड सेगमेंट इज पैकेजिंग कंटेनर्स फॉर फूड एंड FMCG सेक्टर। पेल इज जस्ट अनदर नेम फॉर द बकेट विद द हैंडल विच इज नथिंग बट द स्टोरेज कंटेनर। फूड एंड FMCG इज कम्प्लीटली IML, बट इन पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स इट इज अ मिक्स ऑफ IML एंड नॉन IML, like heat transfer labeling which is HTL or screen printing etc. IML revenue share for financial year 2022 is 67% as against 65% last year and it is more or less stagnating. IML volume share for financial year 2022 is about 63% as against 61% last year. Now let's discuss about IML in more detail, which is company specialty. IML is a process where label is put inside the mold
into which hot plastic is injected. IML label have a heat activated adhesive applied to them, which gets activated when molten plastic is injected. After cooling, the label becomes molded onto the container surface. In mold labeling process eliminates the post labeling operation, which saves both the time and labor. Because of this, it is suitable for mass production. In mold labeling also gives photographic quality. Moldtec Packaging started IML manufacturing facility in 2011 financial year. In 2014 financial year, the company decided to further backward integrate by manufacturing in-house robotic arms. Until then, company was importing robotic arms from Taiwan. In-house made robotic arms are cheaper by 40% for single cavity and 65% for multi-cavity than imported robots. Moldtec is the only company in India to design and manufacture in-house robots for the IML decoration, apart from manufacturing IML labels in-house. Now let's discuss about each business segment. Both paints and lubricant containers are similar to each other because in both the cases company manufactures pails, which is nothing but a bucket. In paint segment, the company manufactures pails starting from 1 liter to 20 liters. In lube segment, the company manufactures the paint starting from 5 liters to 25 liters. And under lubricants, recently company has launched pails for diesel exhaust fluid and backed orders from the players like Gulf Oil, Valvoline and Cummins and Apar etc. Next segment is food and FMCG. In that, company have two divisions. First one is cube packs or square packs, which are mainly used for edible oil packaging, but its applications are increasing. Recently, company started to use these containers for detergents, tea, protein powders and micronutrients etc. Q-Pax provides excellent tamper evidence and it is very easily removable pack. Other than Q-Pax, company have containers for chocolates, ice creams, sweet boxes, coffee cups and heat sealable products. Food and FMCG containers are thin-walled when compared to pails. The company uses polypropylene copolymer as raw materials, which is manufactured from the crude oil. Company procures raw materials from Reliance, which accounts to 70 to 80%, while IOCL accounts to 15 to 20%. So company procures about 95% of the raw materials domestically and remaining 5% they are importing from Europe. Company always passes the changes in raw material prices to their customer on monthly basis, and average raw material price from the month of February is charged in month of March and so on. Now let's discuss about Moldtec Packaging unique selling point, which is IML. Moldtec Packaging is the one of the very few Indian companies which makes their own molds, labels and robots, which gives a significant cost advantage over its competitors who import them. Moldtec's backward integration is a result of technical background of the promoter. Number 2, Moldtec also have the deep and rooted customer relationships. They have a track record of quality and reliability of supply, which has helped it to become the preferred supplier for the leading companies in paints, lubes and food and FMCG sector. To back up this claim, company have received green channel clearance from Asian Paints and Reckitt Benckiser. Green channel clearance means supplied product would not be quality checked and they will directly go into manufacturing lines for further processing. Chairman and Managing Director Mr. J. Lakshman Rao, in an interview from 2005, Moldtec Packaging have the clients in lubricant segment like Castrol, Valvoline and Shell, and in the paint segment they have the clients like Asian Paints, Nerolac and Berger Paint. Asian Paints places an order with Moldtec for about 20% of its entire needs for the pails. Moldtec Packaging granted a patent for innovation related to pull up the spout. Moldtec Packaging keeps innovating and launching newer and newer value-added products in both existing industries and new industries. Products like ice cream containers, square-shaped edible oil packs, ghee packs, cups, etc. They collaborate with companies to make specific product designs according to their needs. The company is entering into injection blow molding, which is IBM, which is primarily for pharma, cosmetic and FMCG clients. Currently, the company has 10 manufacturing facilities across India and current installed capacity is about 45,000 metric ton per annum. All the machines are fungible, which means if the food demand drops, then they can make the paint containers on the same machines by changing the molds. The molds cost about 15% of the total project cost. So in case of demand fall in particular segment, wastage is very minimal. Moldtec Packaging have three decoration technologies.
फर्स्ट वन इज स्क्रीन प्रिंटिंग, इट इज लेबर इंटेंसिव एंड लो क्वालिटी प्रिंट कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज. सेकेंड वन इज हीट ट्रांसफर लेबलिंग, इट गिव्स द प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी बट इट इज नॉट अ कम्प्लीटली हैंड्स फ्री ऑपरेशन एंड नॉट 100% रिसाइक्लेबल. एशियन पेंट टिल दिस डेट यूजेस HTL because until now no company in India is able to produce IML containers economically other than Moltec packaging. And third one is the in-mold labeling, which is IML. It provides HD photographic label with provisions of giving glossy finish. In-mold labeling gives the product photorealistic quality and nearly 100% coverage, whereas heat transfer labeling is easily removable with solvents and label can only cover 80% of the container. In case of IML, one can perform entirely hands-free procedure and it is 100% recyclable because labels are made from the same material as the container. If the containers are recyclable, then they also can recycle the labels. In case of heat transfer labeling, there are multiple stages after molding and the film which is used is not eco-friendly. Now let's discuss about the CAPEX. In 2023 financial year, CAPEX is 125 crores. For this massive expenditure, company has raised a QIP of about 103 crores in 2023 in quarter 3 of 2022 financial year. Current year 2023 financial year, this CAPEX is about 2.5 times the average of last 5-year CAPEX. At the time of QIP in 2022 December, the company has announced a CAPEX plan of 250 crores in next 2.5 to 3 years. After completion of 125 crores of CAPEX by end of 2023, the total capacity will become 54,000 metric ton from existing about 44 to 45,000 metric ton. The details for 2023 financial year CAPEX are given in this table. Here the major chunk of the CAPEX is done at Sultanpur plant because the new injection blow molding capacity, which is primary for the pharma packaging and does it requires the pharmaceutical qualification of hygiene and cleanliness. Second plant, which is a new plant at Daman, is going to produce IML containers for food and FMCG segments, particularly for the western clients. Daman plant will be close to western clients, which will decrease the transportation cost. Company is also doubling the label capacity to 4.5 crores per month. Per month capacity will increase from 4 in 2021 to 8 in 2023. Now let's discuss about injection blow molding, which is IBM, into which the company is entering. Injection blow molding is a process whereby plastic preform is injection molded and the preform travels on the core rod to the blow mold section. To the blow mold station, where hot compressed air is blown through the core rod and the preform consequently takes the mold shape. Capacity for the IBM is being constructed at Sultanpur plant, while currently it has a 4 machines, each with the production capacity of 500 tons, which totals to about 2000 metric ton per annum. Primarily, injection blow molding is to make pharma products because it is a high margin product. IBM plant is expected to be ready till July 2023 and initially from this plant OTC products like Vaseline, Zendu Balm, while the pharma products will start to contribute from 2024 financial year because pharma products requires high regulatory approvals and it is a time consuming process. Now let's discuss about the EBITDA margins for the injection blow molding process compared to other products. In paints and lube side for the pails, the company have the EBITDA margins of 30 to 35 rupees per kg. Similarly for Q-packs, the company have the EBITDA margins of 35 to 40 rupees per kg. While in food and FMCG segment, the company have the better EBITDA margins, which are 80 to 90 rupees per kg. In injection blow molding, for OTC products, the company have the EBITDA margins of 80 to 100 rupees per kg. Whereas for the pharma segment, the company have the EBITDA of about 180 to 200 rupees per kg, which is highest compared to all other segment, and incrementally their EBITDA margins for the overall business can improve from here on as they are investing more into the pharma facility. Domestically, injection blow molding pharmaceutical industry is about 2500 to 3000 crores market. There are already some established players in this segment, which are Shriji and Pravesha, with respective turnover of 500 and 600 crores. Globally, total established blow molded market size in 2022 was around $90.3 billion and it is expected to reach about $144 billion by 2032 with CAGR of 4.8%. Now let's talk about the future growth of this company.
The company is also planning to manufacture child resistant caps, which are CRC, along with the pharma bottles by using IBM. US is a big importer for the child resistant caps, so it can increase the exports for the company, while currently exports for the company are very negligible. Second opportunity can be pumps for the sanitizers and shampoos. Wipro is the largest customer in this segment, and in pump segment the company have about 66% gross margins. Moltec packaging pumps are high quality than imported products quality. Currently the pumps are used in sanitizer bottles, but the company is planning to use them in other consumer products like shampoos and sprays as well. Third opportunity can be QR Codel IML, which was developed by the company in 2021 financial year. Moltec packaging supplies each container with two unique QR codes, one on the surface and another under the peel off. Surface QR code provides tracing and tracking information, while beneath QR code gives the loyalty benefits like cashback when the end consumer scans it. Shell, Volvo Line and Gulf Oil are in advanced stage of QR code IML testing. One of them might introduce it soon in the market. Asset turnover ratio for the QR coded IML is about 3 and pumps it at 4. Recently, company have received the letter of award from the Grasim Industries to supply the pails, and accordingly a co-located plant will be set up by the company at Panipat, which requires the capex of about 30 crores and it is expected to be operational by end of calendar year 2023. Revenues for the Moltec have steadily growing at a CAGR of 10.4%. Even though company has been hit by the COVID during quarter 1 2021 financial year, while for the complete financial year of 2021, the company has done well. In 2022 financial year, top client provided 65% of the sales for the Moltec packaging, and Asian Paints alone contributed about 25% of the company's overall sales, which is their biggest client. EBITDA percentage may not be the right indicator for the manufacturing companies, and that's why one should look at the EBITDA per kg for the companies like this. EBITDA per kg is gradually increasing, and in 2022 it is about 41.8 rupees per kg. Volume growth across the year is shown in this graph, and for FY22 the volumes were 29,250 metric tons. In quarter 1 of 2023, for the first time Moltec has done 9,000 tons of sales in particular quarter, and if we extrapolate that for the year it comes around 36,000 metric tons. In quarter 1 of 2023 financial year, the company had a capacity utilization of about 81%, and generally in this field 80% of the installed capacity is considered as the full capacity utilization. Here you can check the last 3 years of the revenues of the different segments of the Moltec packaging. Even though food and FMCG volume share is 17.5% in 2022, the revenue share is 23%. The company is also trying to increase food and FMCG share by entering into industries like seeds, cheese, fertilizers, sweets, etc. because the margins are more than twice when compared to pails. Return on capital employed during 2022 was about 23%. The company tightly controls its debt. Whenever the working capital debt increases or if very big capex is upcoming, it raises money by offering equity in form of QIP or warrants, which helps keeping debt in lower levels. Now let's talk about the risk in this company. Plastic ban can be issue, but it is not for the Moltec packaging, because currently Indian government banned the plastic bags with thickness below 50 microns, and all the products made by the Moltec packaging has the minimum thickness of about 500 microns. Moltec packaging is already using 7-8% of the recycled plastics in their pails, and companies also have accepted to add 10-12% of the recycled plastic. Recycling of the plastic in India has caught up to international standards recently, and some of the recycled polymers even meet the food safety standards. Moltec packaging also have the good relation with the plastic recycling companies. The delta between the recycled polymers and the synthetic polymers is decreasing. Currently it is about 10%, because the cleaning of the recycled plastic is happening up to the polymer level, and due to that it is not affecting the dimensional stability of the product. Even adding up to 30-40% of the recycled polymer without affecting the original quality of the product is also possible. Another risk for the company is overseas expansion. Company had started its overseas plant in RAK in UAE during 2017 financial year and closed in 2019 financial year. The company has taken a total loss of about 14.5 crores against this plant.
तो जैसे कि हमने ये वीडियो में काफी डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि मोलटेक पैकेजिंग के क्या क्या अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, उनके हर एक बिजनेस सेगमेंट में क्या क्या मार्जिन है, करंटली उनका जो मेजर फोकस है वो कौन से सेगमेंट में है, और जैसे कि आगे जाके वो फार्मा रिलेटेड जो बॉटल्स या जो प्रोडक्ट्स है जिसमें बेटर मार्जिन है उसमें वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि उनके ओवरऑल जो मार्जिन है वो नेक्स्ट 2-4 ईयर्स में काफी बेटर हो सकते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हमें मोलटेक पैकेजिंग से मिला तो वही अंडरस्टैंडिंग हम आगे जाके अप्लाई करेंगे मित्सुकेम प्लास पे, क्योंकि करंटली जो कंपनी वो स्मॉल कंपनी है। इसके रिलेटेड मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, तो ये जो कंपनी है उसमें यदि आप देखोगे तो आरती इंडस्ट्रीज उनका एक क्लाइंट है, और आरती इंडस्ट्रीज के जो प्रमोटर है मिस्टर चंद्रकांत गोगरी, उन्होंने भी ये कंपनी में आप देखो तो इन्वेस्ट किया है। तो दैट ऑल्सो टेल्स अस समथिंग। तो वी कीप ऑन फाइंडिंग दी स्मॉल स्मॉल कंपनीज या माइक्रो साइज की कंपनीज जिसके बारे में करंटली मार्केट में ज्यादा डिस्कशंस नहीं है, कंपनीज आर अवेलेबल एट डिसेंट वैल्यूएशंस, तो ऐसे कंपनीज हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने माइक्रो कैप क्लब की शुरुआत की है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो और ये क्लब के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये क्लब में हम स्मॉल एंड माइक्रो साइज की जो कंपनीज है इसके बारे में स्कटल बट करते हैं, या जिसको चैनल चेक्स कहा जाता है, यानी मैनेजमेंट से मिलना या उनके प्लांट्स को विजिट करना या एम्प्लॉय से डिस्कशन करना, यानी देखना कि ऑन ग्राउंड कंपनी में क्या चल रहा है। क्योंकि जनरली आप देखोगे जो नंबर्स होते हैं यानी जो पब्लिश नंबर्स होते हैं तो बाद में आ जाते हैं, उसके पहले ऑन बैक एंड कंपनी में क्या चल रहा है। इफ यू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द बिजनेस एंड इफ द बिजनेस इज गुड देन यू कैन बी अर्ली इनटू द बिजनेस, और तभी आपको जो स्टॉक है वो काफी चीप मिल जाएगा। बट नंबर आने के बाद यहाँ पे रीरेटिंग आ जाता है, तो वी नीड टू बी अर्ली इन द गेम सो दैट वी कैन गेट अ वेरी गुड बिजनेस एट डिसेंट वैल्यूएशन, and then we can keep on holding and keep on increasing our allocation according to जैसे conviction build होता है। तो इसके लिए ही मैंने माइक्रो कैप क्लब की शुरुआत की है, इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यदि आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया होगा तो जरूर आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, और यदि आपको ये मोलटेक पैकेजिंग का डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोज है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और यदि आपको मित्सुकेम प्लास का डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन द मित्सुकेम प्लास, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन डेप्थ अबाउट द मोलटेक पैकेजिंग और उन्होंने उनका जो बिजनेस मॉडल है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे स्केल किया। और ये वीडियो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज मिल जाएगा।